Now we are reading subject English, story number 1, King of All Animals for class 4. King of All Animals, तमाम जानवरों का बादशाह. When we read the story, first we will see that this is a folk story of Chinese. Now we will explain what about this story. Who is truly king of all animals? Is it the most fearsome animal or is it the most intelligent animal? पूछते हैं, ये एक फोक स्टोरी है चाइना की. उसमें वो कहते हैं, सवाल करते हैं कि क्या जंगल का बादशाह वो जानवर है जो बहुत खौफनाक, होलनाक और डरावना है, या वो जंगल का बादशाह है जो बहुत समझदार और जहीन है? क्वेश्चन करते हैं. अब हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसमें होलनाक और डरावना किसको कहा गया है और समझदार, चलाक और वाइज किस एनिमल को कहा गया है. When tiger walked openly through the jungle, he was feared. जब शेर या चीते जंगल में आजादाना तौर पर चलते हैं तो वो खौफ की अलामत होते हैं. He was feared, वो खौफ की अलामत होते थे. The deer fled in alarm. Fled का मतलब होता है भाग जाना, एकदम से फरार हो जाना. The deer fled in alarm. अलार्म होता है खतरा. तो जो हिरन है वो खतरा भांपकर भाग जाते थे. When they see that tiger is walking openly, then they feel some fear and fled away. वो भाग जाते थे शेर को खतरा समझकर. The monkey swung, screaming to the highest branches. जो बंदर स्वयं झूल रहे थे, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, खौफ से चिल्लाते हुए, टू द हाईएस्ट ब्रांचेस, जो दरख्त की निचली शाखों पर झूल रहे थे, वो टाइगर को जब देखते हैं तो खौफ से चिल्लाकर दरख्त की ऊपर वाली शाखों पर चले जाते हैं ताकि शेर उनको या चीता उनको पकड़ ना ले. द फ्रॉग डाइव इन टू द डीपेस्ट पूल. जो मेंढक है वो जब शेर को ओपनली चलता हुआ जंगल में देखते हैं तो वो खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि शेर खौफ की अलामत है. तो वो गहरे तालाबों में डाइव, छलांग लगा देते हैं इनटू द डीपेस्ट पूल, गहरे तालाबों में. एंड द टर्टल्स क्लोज देयर शेल्स. कछुए अपने होल के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं. एंड होप, और ये उम्मीद करते हैं, टू बी मिस्टेकन, के गलती समझ के. फॉर मेयर रॉक, मेयर होता है महज, सिर्फ रॉक, चट्टान या पत्थर. वो अपने जो टर्टल है वो अपने आप को अपने शेल के अंदर, अपने होल के अंदर कर लेते हैं ताकि कोई भी, या ये चीता ही अगर वहां से गुजरे तो उसको गलती लगे, वो समझे कि ये, टू बी मिस्टेकन, वो समझे कि गलती से. फॉर मेयर रॉक, वो एक पत्थर से जब पत्थर है, वो उसके शेल को सिर्फ एक पत्थर समझ ले गलती से, उन्हें उसे ये ना पता चले कि ये कछुआ है, उसका शिकार ना कर ले. मतलब खौफ से कछुए शेल के अंदर चले जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ से खतरनाक जानवर गुजरे और चीता गुजरे तो वो समझे कि वो गलती से कोई पत्थर वहां पर पड़ा हुआ है. इवन द वाइल्ड ऑक्सन, यहां तक के ऑक्सन वुल्फ की फीमेल है, ठीक है, लोमड़ी की फीमेल ऑक्सन है. इवन द वाइल्ड ऑक्सन, यहां तक कि जंगली लोमड़ी क्रैशिंग तेजी से, एकदम से, देयर वे, अपने रास्ते पर, थ्रू द अंडरग्रोथ. यहां तक कि जब चीता ओपनली चल रहा होता है तो जो लोमड़ी है वो तेजी से, क्रैशिंग तेजी से अपने रास्ते से होती हुई, थ्रू द अंडरग्रोथ, उन झाड़ियों में चली जाती है जो दरख्तों के नीचे लंबी लंबी उगी होती हैं ताकि वो चीते को नजर ना आए.
kept a respectful distance. Kept का मतलब होता है रखते हुए, और रखना यहां पर आया रखते हुए, एक respectful distance, एक सही फासला, एक इतना फासला उससे रखती है कि चीता छलांग मार के उसको पकड़ ना ले। रिस्पेक्टफुल का मतलब यहां पर है मुनासिब डिस्टेंस, फासला, मुनासिब फासले पर वो छुप जाती है झाड़ियों में तेजी से। ट्रूली दो टाइगर एज ही अटर आर रोल दैट शूट द जंगल, ट्रूली हकीकत में थॉर टाइगर एज ही अटर, दो टाइगर एज ही अटर, जैसे ही जो चीता है ही अटर, अटर होता है आवाज निकालना, जब वो आवाज निकालता है अरोर एक गरजने की धारने की, दैट शूट द जंगल, तो जंगल लरज जाता है, झूप में लरज जाता है। आई एम किंग, उसकी उस रोर में जो अटक करता है निकालता है उस उसमें वो ये कहता है, वो खौफ की लामत है, उससे ये पता चलता है उस आवाज का मतलब ये है कि बताना चाहता है कि आई एम किंग, मैं अपने शिकार के लिए निकल रहा हूं। व्हेन टाइगर स्टॉप, जब शेर, स्टॉप का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की तरफ बढ़ना, एंड अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, एंड हंटिंग और शिकार करता है, नॉट कुड सी हिम, तो कोई उसको नहीं देख सकता क्योंकि सब खौफ के मारे अपनी अपनी जगहों में छुप जाते हैं, इसलिए उसको कोई शिकार करते हुए देख नहीं सकता, वो आसानी से अपने शिकार को दबोच लेता है। ही क्राउच्ड, वो घात लगाता है, क्राउच्ड का मतलब है अपनी बॉडी को जमीन के साथ लगाना। ही क्राउच्ड, वो घात लगाता है अनमूविंग, हरकत ना करते हुए बहुत जमीन के साथ अपने आप को लगा देता है। इन द शैडोज, साए में, किस साए में, यह आपको आगे बताते हैं। द लाइट दैट फिल्टर, उस लाइट में, उस लाइट के शैडो में, साए में जो फिल्टर होके आ रही थी है, जो जंगल के दरख्तों में से होती हुई थोड़ी थोड़ी सी आ रही होती है, फिल्टर का मतलब है मध्यम सी लाइट निकल कर आना, किसी चीज में से गुजर के आना। थ्रू द लीव्स, दरख्तों के पत्तों में से गुजर के आती हुई, क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं, बहुत दरख्तों के बहुत ज्यादा पत्ते होते हैं, तो जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो पत्ते उनको रोक लेते हैं, और कुछ मध्यम मध्यम सी रोशनी नीचे जमीन तक पहुंचती है, क्योंकि वो बहुत कसरत में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं पत्ते। तो क्या होता है, ही क्राउच अनमूविंगली, वो हरकत ना करते हुए जमीन के साथ अपनी बॉडी को लगा लेता है, मतलब वो घात लगा लेता है। इन द शैडो, साए में, द लाइट दैट फिल्टर थ्रू द लीव्स, वो रोशनी जो पत्तों के जरिए आ रही होती है, एंड ब्रांचेस, और शाखों से मेड पैटर्न, वो रोशनी जो पत्तों और शाखों में से आ रही होती है, क्योंकि वो उनसे गुजर के आती है, तो उनका साया उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे पड़ता है जैसे उसकी ही बॉडी की लकीरें लग रही होती है। मेड पैटर्न ऑन द जंगल फ्लोर, जब वो लाइट फिल्टर होकर आती है, तो चूंकि वो पत्तों और शाखों से फिल्टर होकर आती है, तो पत्तों और शाखों का जो साया बनता है वो लाइनों लाइनों की तरह वो जमीन पर जब पड़ता है, तो वो जमीनों पर पड़ता है ऑन द जंगल फ्लोर, दैट मेल्ट हिज कोट, वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे इसकी बॉडी के ऊपर लाइनें बनी हुई है, वो इसके कोट, जो कोट से मुराद है जो इसके ऊपर ही इसकी स्किन है, इसकी खाल है, वो ऐसा ही पैटर्न जमीन पर बनाती है रोशनी जो इसके ऊपर बना होता है, इसलिए वो आसानी से दिखाई नहीं देता जब वो जमीन में घात लगा के जमीन के साथ अपनी बॉडी लगा लेता है, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो पत्तों की रोशनी से ही पैटर्न बना हुआ है, वो नजर नहीं आता क्योंकि वो पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसकी स्किन के ऊपर लाइनें बनी हुई है। द डियर ग्रेज्ड क्वाइटली, जो हिरन है, हिरन है वो आराम खामोशी से घास खा रहा होता है। द मंकीज प्लेड इन द लोएस्ट ब्रांचेस, जो बंदर है वो निचली शाखों पर खेल रहे होते हैं। द फ्रॉग्स बास्ट ऑन द लिली पैड, लिली पैड है कमल के फूल जो तालाब में होते हैं उन पर जो है मेंढक वो बास्ट धूप सेक रहे होते हैं। एंड द
टर्टल लंबर्ड बाई, और जो कछुए हैं लंबर्ड का मतलब है स्लोली, आराम आराम से वहां से गुजर रहे होते हैं। इवन द वाइल्ड ऑक्सन क्रैश्ड, यहां तक कि एक जंगली लूमड़ी क्रैश्ड, तेजी से भागती हुई आती है थ्रू द अंडरग्रोथ, वो झाड़ियों में से होती हुई तेजी से आती है जस्ट इंचेस फ्रॉम टाइगर नोज। टाइगर उसको पता नहीं चल, उसे नहीं पता होता कि भाई टाइगर खड़ा है, वो एकदम तेजी से जब झाड़ियों से निकलती है तो वहां पे टाइगर होता है, और उसकी नाक से सिर्फ कुछ इंच के फासले पर एकदम से वहां रुकती है, तो उसकी नाक से कुछ इंच के फासले पर होती है। विद वन स्विफ्ट बाउंड, सिर्फ एक हल्की सी जस्ट स्विफ्ट हल्की सी बाउंड जंप, विद वन स्विफ्ट बाउंड एक सिर्फ एक हल्की सी जस्ट छलांग से टाइगर कुड हैव द डिनर, चीता पा सकता है, चीते के पास होगा रात का खाना ऑफ हिज चॉइस, उसकी पसंद का। क्यों? इसलिए कि जब लूमड़ी तेजी से भाग के आती है, तो जब तेजी से आके एकदम से रुकती है तो बिल्कुल टाइगर की नोज के पास आके रुकती है, तो वो कहता है कि वो इतनी नजदीक होती है कि टाइगर आसानी से सिर्फ एक हल्की सी जंप लगा के उसको दबोच सकता है स्विफ्ट बाउंड के जरिए, और उसके पास अपने रात का खाना जो है उसकी पसंद का वो उसको मिल सकता है। देयर वर टाइम्स हाउएवर व्हेन टाइगर गॉट बोर्ड, देयर वर टाइम्स बार दफा ऐसे भी होता था, हाउएवर तहम व्हेन टाइगर गॉट बोर्ड, जब चीता जो है वो उकता जाता था, बोर्ड मतलब उकता जाता था, बोर्ड विद डियर एंड मोंकीज, हिरन से और बंदर से, क्योंकि वो रोज ही जंगल में इन चीजों का शिकार कर रहा होता है, तो उससे उकता जाता है, एंड फ्रॉग और मेंढक से, एंड टर्टल एंड ऑक्स, टर्टल कछुए से एंड ऑक्स और बैल से, वो रोज इनको शिकार कर रहा होता है, तो वो इनसे उकता जाता है, ऑक्स होता है बैल। ड्यूरिंग दोस टाइम, तो इस दौरान जब वो बोर हो जाता है, उतार जाता है अपने रोज के खाने से, वो कुछ नया खाना चाहता है, तो इस दौरान वो क्या करता है, टाइगर रोड हिज डिससेटिस्फेक्शन, टाइगर रोड, टाइगर धाड़ता है, धाड़ता था तेज आवाज में, और हिज सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन इन टू द नाइट, उसकी आवाज में जब वो उतार जाता था तो उसकी आवाज में एक बेइत्मीनानी छलकती थी, जब वो गरजता था, इन टू द नाइट रात के वक्त, एंड वेंट लुकिंग फॉर अदर प्रे, और चला जाता था लुकिंग फॉर देखने के लिए अदर प्रे, किसी दूसरे शिकार को। वन डे एक दिन टाइगर हाइड इन द टॉल ग्रास, चीता छुप गया लंबी घास में एट द एज ऑफ द जंगल, जंगल में आखिर में जंगल के किनारे पे जाके लंबी घास में घुस छुप गया, इवन यहां तक के देयर वहां द ग्रास शेडो ब्लेंडेड विद हिज स्ट्राइप्स, जहां घास का जो साया था ब्लेंडेड वो मिक्स हो गया उसकी स्ट्राइप्स के साथ, जब वो घास में छुपा हुआ आता है तो वो नजर नहीं आता, क्योंकि जो घास के शेडो होते हैं वो ऐसे ही लगते हैं जैसे टाइगर का कोट होता है, तो उम्र जानवर समझते हैं कि ये घास ही है, उन्हें पता नहीं चलता कि यहां चीता छुप के बैठा हुआ है। विद हिज स्ट्राइप्स एंड नन कुड सी हिम, एंड नन और कोई नहीं कुड सी हिम देख सकता, और कोई उसको नहीं देख सकता। इट वॉज इवनिंग, ये शाम थी, व्हेन अ स्ट्रेंज क्रिएचर, जब एक अजीब मखलूक विद अ पॉइंटेड नोज, एक लंबे नोकीले से नाक वाली, एंड अ बुशी टेल, और एक घास की तरह की सी दुम वाली अपीयर्ड, जाहिर होती है, बुशी का मतलब है भरी हुई दुम जिसपे बाल ज्यादा हो, टेल अपीयर्ड वो जाहिर होती है, क्रीपिंग क्वाइटली, क्रीपिंग होता है जमीन के साथ लग के चलना, घिसटना, क्वाइटली थ्रू द ग्रास, जैसे सांप क्रीप करता है इसी तरह वो जमीन के साथ साथ लग के घास में से चल रही होती है। टाइगर वॉच द स्ट्रेंजर,
देखता है, देख लेता था। The attacker ने उसको देख लिया। He had heard of such a creature. He had heard, उसने सुन रखा था of such a creature, ऐसी मखलूक के बारे में। But he had never seen it before. लेकिन उसने कभी नहीं देखा था इसे इससे पहले, या पहली दफा उसको देख रहा था। Stories told, कहानियां बताती हैं how difficult this creature. कहानियां बताती है मतलब उसने इन चीजों के बारे में सुन रखा था, ये कहानियां सुन रखी थी कि एक मखलूक है। हाउ डिफिकल्ट, वो कितनी मुश्किल है। दिस क्रिएचर वाज टू कैच, वाज टू कैच, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। इस क्रिएचर को पकड़ना, मखलूक को पकड़ना बहुत मुश्किल था, इसके बारे में उसने कहानियां सुन रखी थी। बट टाइगर वेलकम दिस चैलेंज, लेकिन चीते ने इस चैलेंज को जो उसको टास्क दिया था, उसको उसने टास्क लिया कि मैंने सुना हुआ है कि ये बहुत मुश्किल है इसको कैच करना, उसको पकड़ना, लेकिन मैं चैलेंज कबूल करता हूँ कि मैं उसको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, मैं इस चैलेंज को अपनाता हूँ, इस चैलेंज को मानता हूँ कि मैं उसको शिकार करूंगा। ही वॉच्ड एज अ बुशी टेल स्ट्रेंज स्ट्रेंजर, ही वॉच्ड, वो देखता है जू ही एज द बुशी टेल स्ट्रेंजर, जैसे ही वो बुशी टेल वाली दुम वाली जो स्ट्रेंजर अजीबो गरीब स्टॉम्प अ माउस, बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक चूहे की तरह चलती है। ही वेटेड, वो इंतजार करता है, उसने इंतजार किया। विद हिज पावरफुल मसल्स टेंस्ड, अपने पावरफुल मसल को टेंस्ड करके, जब हम अपने मसल्स को ऐसे अकड़ा देते हैं ना तो वो टेंस हो जाते हैं। इसी तरह जब वो उसको देखता है और उसको शिकार करने की जब घात लगाता है तो उसके पावरफुल मसल टेंस हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। देन तब जस्ट एज द स्ट्रेंजर पाउंस्ड, जस्ट जैसे ही एज द स्ट्रेंजर पाउंस्ड, जब जू ही वो स्ट्रेंजर जो है वो छलांग लगाती है, जस्ट एज द स्ट्रेंजर पाउंस्ड ऑन हिज अनहैप्पी प्रे, पाउंड होता है एकदम से झपटना किसी पर। जब हमने यहां पर पढ़ा कि बुशी टेल स्ट्रेंजर स्टॉप द माउस, वो बुशी टेल स्ट्रेंजर जो है ना वो एक चूहे को शिकार कर रही होती है, और ये सब कुछ टाइगर देख रहा होता है कि वो एक चूहे का शिकार करने लगी है। वो इंतजार करता है कि जूही एक चूहे का शिकार करेगी, मैं इसको शिकार कर लूंगा, तो उसके मसल्स अकड़ जाते हैं क्योंकि वो घात लगाकर बैठ जाता है। जस्ट एज द स्ट्रेंजर पाउंस्ड, जूही वो स्ट्रेंज मखलूक लूमड़ी विक्सन पाउंस्ड ऑन हिज अनहैप्पी प्रे, अपने खौफजदा नाखुश शिकार पर झपटती है। टाइगर लीव्ड आउट, लूमड़ी चूहे पर झपटती है तो टाइगर उछल कर आता है, कूद कर आता है झाड़ियों में से। द माउस डार्टेड अवे, तो जो इस सारी सिचुएशन में क्या होता है, चूहा भाग जाता है तेजी से, डार्टेड बहुत तेजी से भाग जाता है, अवे दूचना जाता है। बट टाइगर कैप्ट, लेकिन चीता रखता है, कैप्ट रखता है अ फिर्म ग्रिप, फिर्म होता है मजबूत ग्रिप, उस पर होल्ड कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, ग्रिप होता है पकड़ना, उसको बहुत मजबूती से पकड़ लेता है ऑन द स्ट्रेंजर। तो जब चूहा तेजी से भाग जाता है तो टाइगर जो है चीता वो लूमड़ी को बहुत मजबूती से उसके ऊपर ग्रिप कर लेता है मजबूती से। हाउ डेयर यू, लूमड़ी कहती है तुम्हें जुर्रत कैसे हुई। क्राइड चिल्लाया, चिल्लाई द स्ट्रेंजर, वो अजीब मखलूक इन ग्रेट एंगर, बहुत गुस्से में। हाउ डेयर यू, फिर लूमड़ी चिल्लाई तुम्हें जुर्रत कैसे हुई। बेयर योर फैंग्स, तुम्हारे दांत क्यों ऐसे नंगे हुए हैं, नोकीले दांत। बेयर का मतलब होता है नंगे होना, जाहिर होना, दिखाई देना। योर फैंग्स, फैंग्स होता है नोकीले दांत, तुमने किस तरह से मेरे ऊपर दांत गाड़े गाड़े मुझे शिकार करने के लिए नुकीले दांत निकाले हैं। एंड क्लॉज टू मी, और अपने पंजे मेरे ऊपर गाड़े हैं। कहते तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुमने अपने दांतों के लिए दांत और पंजे मेरे पर गाड़े। फॉक्स, फॉक्स कहती है, वो फॉक्स कहती है, फॉक्स लूमड़ी, किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, लूमड़ी जो जंगल के तमाम जानवरों की बादशाह है, उसके ऊपर तुमने पंजे और दांत नुकीले दांत गाड़े, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई। किंग इंडीड, बादशाह दर हकीकत,
सेड टाइगर, टाइगर ने कहा इन सरप्राइज। टाइगर अपने दिल में हैरानी से कहता है कि इंडीड हकीकत में ये बादशाह है। वो कहता बादशाह तो मैं हूं, ये कैसे है? व्हाट गिव्स यू द राइट, किसने तुम्हें ये हक दिया है टू मेक दैट क्लेम, ये दावा करने का, टू मेक करना बनाना दैट क्लेम, ये दावा, तुम्हें ये दावा करने का किसने दिया है कि दर हकीकत तुम बादशाह हो जंगल के तमाम जानवरों का। लिसन एंड नो, सुनो और ये जान लो, सेड फॉक्स, फॉक्स ने कहा व्हेन आई प्रोल द जंगल, जब मैं प्रोल करती हूं, गश्त करती हूं, चलती हूं, व्हेन आई प्रोल द जंगल, जब मैं जंगल का चक्कर लगाती हूं, गश्त करती हूं, चलती हूं, द डियर फ्ली, तो हिरन खौफ से भाग जाते हैं, फ्ली इन अलार्म, भाग जाते हैं, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, इन अलार्म खतरे से, द मंकीज स्विंग द हाईएस्ट ब्रांचेस, जो बंदर हैं वो ऊंची ब्रांचों पर झूला झूलते हैं, ऊंची ब्रांचों पर चले जाते हैं, ऊंची टहनियों पर चले जाते हैं मेरे खौफ से ताकि मैं उन्हें पकड़ ना लूं, द फ्रॉग्स डाइव इनटू द डीपेस्ट पूल, और जो मेंढक है वो गहरे तालाबों में चले जाते हैं, छलांग लगा देते हैं, द टर्टल क्लोज देयर शेल्स, और कछुए अपने खोल के अंदर खुद को बंद कर देते हैं, एंड होप, और ये उम्मीद करते हैं कि टू बी मिस्टेकन, कोई इसको गलती समझे फॉर मेयर रॉक, के एक पत्थर के तौर पर उसको गलती समझे कि ये एक पत्थर है, उसको ये मिस्टेकन हो, उसको ये गलती लगे, वो ये ना समझे कि टर्टल है बल्कि वो समझे कि ये एक रॉक है, पत्थर है। इवन द वाइल्ड ऑक्सन, यहां तक के जंगली लूमड़ी क्रैशिंग तेजी से थ्रू द अंडरग्रोथ, तेजी से भागती हुई आती है झाड़ियों में से, कीप अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, एक रिस्पेक्टफुल, एक मुनासिब फासला रखते हुए। वो कहती है तुम्हें पता है, लूमड़ी कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, मुझे देख के जानवर इधर उधर भाग जाते हैं, इवन कि जो लूमड़ी बहुत जहीन है या उसको कंफ्यूज करना चाह रही है, कहती है यहां तक कि जो लूमड़ी है ना, जो बड़ी चालाक समझी जाती है, जिसके बारे में तुमने कहानियां सुनी हुई है, वो भी जब अचानक झाड़ियों में से तेजी से निकल के आती है ना, तो मुझसे एक फासला रखती है कि मैं उसको शिकार ना कर लूं। ये लूमड़ी उसको कह रही है ताकि वो उसको गलती लगे कि मैं लूमड़ी नहीं हूं, मैं कोई और ही क्रिएचर हूं, ये उसको धोखे में रख रही है। टाइगर रोड विद फियरसम लाफ्टर, टाइगर रोड, टाइगर धारता है विद फियरसम खौफ से, खौफनाक हंसी से, वो हंसता है खौफनाक हंसी से और धारता है, इफ यू कैन शो, अगर तुम मुझे ये दिखाओ, शो मी, अगर तुम ये मुझे दिखा, क्या तुम मुझे ये दिखा सकती हो, अगर तुम मुझे ये दिखा सकती हो, दैट दिस इज सो, कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम कह रहे हो, स्ट्रेंज क्रिएचर, जैसे तुम कह रही हो कि तुम जंगल की बादशाह हो, लोग सब तमाम जानवर तुमसे डर के इधर उधर भाग जाते हैं, यहाँ तक कि लूमड़ी भी तुमसे एक खास फासला रखती है, अगर ये सारा कुछ तुम मुझे दिखाओ कि सब तुमसे खौफजदा होते हैं, ही सेड, टाइगर ने कहा अगर तुम मुझे ये दिखाओ उंगली तौर पर, तो फिर क्या होगा, आई विल लेट यू, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, गो फ्री, आजाद, तो मैं तुम्हें आजाद छोड़ दूंगा, जाने के लिए आजाद कर दूंगा, बट इफ यू कैन नॉट, लेकिन अगर तुम ये अपने बारे में ये खौफ मुझे ना दिखा सकी, आई विल ईट यू, तो मैं तुम्हें खा लूंगा। वेरी वेल, लूमड़ी कहती है बहुत अच्छा, सेड फॉक्स, वेरी वेल, बहुत अच्छा, सेड फॉक्स, फॉक्स ने लूमड़ी ने कहा, स्माइलिंग स्लाइली, चलाकी से हंसती, स्लाइली होता है कि आपको पता है कि आप किसी के साथ मक्कारी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, लेकिन आप हंसते हैं, आपकी हंसी में वो छलक रही होती है कि मैं इसको बेवकूफ बना रही, किसी को बेवकूफ बनाकर तो आपने हंसते हैं, तो हंसी में जो महसूस होता है उसको कहते हैं स्लाइली, स्लाइली ऐसी हंसी है जिसमें आपकी मक्कारी छुपी होती है, तो वो हंसती है उस मक्काराना तरीके से कि इसको तो पता ही नहीं है कि मैं इस चीते को तो पता ही नहीं है कि मैं इसके साथ क्या ट्रिक करने जा रही हूँ। फॉलो मी, फॉक्स कहती है फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आओ, वी विल वॉक टूगेदर, हम इकट्ठे चलेंगे इन द जंगल, जंगल में, सो फॉक्स एंड टाइगर स्ट्रोल, बस फिर लूमड़ी और टाइगर इकट्ठे स्ट्रोल चलते हैं बहुत चहलकदमी के अंदाज में,
ओपनली अलोन द जंगल पार, आजादाना तौर पर जंगल के रास्ते पर, फॉक्समैन फर्स्ट, आगे लूमड़ी होती है एंड टाइगर फॉरवर्ड क्लोज, और टाइगर उसके साथ साथ उसके पीछे होता है, बिहाइंड पीछे, एंड इनडीड, और द निकल द डियर फ्लैट, चूहे वो ऐसे निकलते हैं, आगे लूमड़ी होती है और पीछे शेर होता है, अगर जो वो सारे जानवर शेर से डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन लूमड़ी चूंकि आगे होती है, उसने ये शो करना होता है, उसको धोखा देना होता है कि ये मेरी वजह से भाग रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं, जैसे आपने बार बार पढ़ा कि डियर तेजी से भाग जाता है वहां से, मंकी ऊपर चले जाते हैं, फ्रॉग्स अपने पूल में चले जाते हैं, और कछुए अपने होल में चले जाते हैं, और लूमड़ी एक खास डिस्टेंस रखती है। टाइगर लुक्ड अराउंड इन वंडर एट द फ्राइटनिंग एनिमल्स, टाइगर देखता है, शेर जो चीता है वो देखता है अराउंड इर्द गिर्द इन वंडर हैरत से, एट द फ्राइटेड खौफ ज्यादा एनिमल, खौफ ज्यादा जानवरों को हैरत से देखता है कि बादशाह तो मैं हूं, तुम लोग इससे क्यों डर रहे हो, वो बहुत हैरान होता है कि इससे डर रहे हैं, अगर जो हकीकत में वो उसी से डर रहे होते हैं। कुड इट बी पॉसिबल, क्या ये मुमकिन हो सकता है दैट दिस स्मॉल डॉग लाइक क्रिएचर, कि ये छोटी सी कुत्ते की शक्ल जैसी मखलूक इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने वॉज ट्रूली किंग, उसके सामने एक सही बादशाह है ऑफ ऑल एनिमल, सारे जानवरों का, कि सब इसे डर के भाग रहे हैं। समथिंग स्मेल्ड ऑफ ट्रिकी, वो कहते हैं कि मुझे कुछ ना किसी ट्रिक की स्मेल आ रही है, किसी धोखे की स्मेल आ रही है। बट टाइगर हैड मेड अ प्रॉमिस, लेकिन उसे लगता है कि ये सब ट्रिक है, ये धोखा देने की कोशिश की जा रही है, इसमें कुछ झूठ है, लेकिन चूंकि वो उससे प्रॉमिस कर चुका होता है फॉक्स से कि अगर वो मुझे दिखा देगी कि सब उसे डरते हैं तो वो उसे फ्री छोड़ देगा, एंड ही ऑलवेज केप्ट दिस प्रॉमिस, और वो हमेशा अपना वादा पूरा करता है, टाइगर जो भी वादा करता है वो हमेशा ऑलवेज केप्ट उसको हमेशा कर पूरा करता है अपने प्रॉमिस को। गो जाओ, टाइगर कहता है गो जाओ, स्ट्रेंज वन ए जिबोगरी, He said, वो कहता है to fox, fox से, वो fox से कहता है जाओ, I do not know whether or not you are king of all animals, वो कहता I do not know, कहता मैं नहीं जानता whether के अगर तुम whether का होता है चाहे or not के तुम हो या नहीं हो king of all animals, तुम पूरे जंगल के जानवरों की बादशाह हो या नहीं, whether का मतलब चाहे, चाहे तुम हो या नहीं हो किंग, बट यू हैव शोन, लेकिन तुमने ये अमल करके दिखा दिया है कि तुमसे सारे डरते हैं, दैट फियर कैन वॉक, के खौफ तुम्हारे साथ चलता है, जब तुम चलती हो तो खौफ होता है, द जंगल जंगल में विद यू, तुम्हारे साथ, कि तुम्हारे साथ तुम निकलती हो तुम्हारे साथ पूरे जंगल में खौफ फैल जाता है, गो जाओ, एंड लिफ्टिंग का मतलब होता है उठा के चलना, His bushy tail, वो अपनी बड़ी हुई दुम को उठाकर चलती है, इन ट्रिम्फ होता है फतह से चलना, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आप बड़ा अकड़ के चलते हैं ना, तो इस तरह से वो कामयाबी से अपनी दुम को ऊपर उठा के चलती है, फॉक्स डिसअपीयर, फॉक्स गायब हो जाती है इनटू द अंडर बुशेस, उन झाड़ियों में, लीविंग फियर बिहाइंड, लीविंग छोड़ते हुए फियर बिहाइंड, पीछे अपने खौफ छोड़ जाती है। बस ये हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हुई जी। क्लास आपने किंग ऑफ ऑल एनिमल्स की कहानी को बहुत गहराई से पढ़ा कि इसमें क्या क्या हुआ था, और शेर और लूमड़ी की क्या डील हुई थी, और कौन कौन से जानवर इस कहानी में डरते थे। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है अलार्म, यानी कि वार्निंग साउंड, किसी भी खतरे से बाखबर करने को वार्निंग साउंड कहा जाता है। प्री, शिकार करना, एनिमल हंटिंग, किसी भी जानवर को शिकार करने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होता है प्री का। सिलीली, इन एन एक्टफुल मैनर, यानी कि चलाकी से, यानी कि किसी ट्रिक से जो है कोई चीज हासिल करना उसको सिलीली कहते हैं। चैलेंज, मुकाबले के लिए बुलाना, यानी कि कोई भी डिफिकल्ट टास्क करने के लिए चैलेंज करना। स्ट्रॉल, रिलैक्स ऑफ, आराम से चहल कदमी करना। क्लेम, आ ट्रू स्टेटमेंट, दावा करना। क्लेम का मतलब है दावा करना, क्लेम का क्या मतलब है दावा करना। अंडरग्रोथ मीन झाड़ियां, ठीक है।
क्लेम आर टू स्टेटमेंट दावा करना अंडर ग्रोथ बुशेस दैट ग्रो अंडर द ट्री जो झाड़ियां दरख्त के नीचे उगती हैं उन्हें अंडर ग्रोथ बुशेस कहते हैं यानी कि झाड़ियां फिल्टर पास थ्रू अलग करना बास गेट एंजॉयमेंट धूप में लुत्फ अंदोज होना गेट एंजॉयमेंट फ्रॉम सन धूप में लुत्फ अंदोज होना लवर्ड मूव हेवन ई फेस चलना। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन व्हाट मेड टाइगर थिंक दैट ही वाज किंग ऑफ ऑल एनिमल द फियर ऑफ ऑल एनिमल मेड हिम थिंक दैट ही वाज किंग ऑफ ऑल एनिमल जानवरों के खौफ ने शेर को ये जाहिर किया कि वो जंगल का बादशाह है। क्वेश्चन नंबर टू व्हेन टाइगर वाज हंग्री जब शेर भूखा होता है ही ऑलवेज हंटेड डिड नॉट हंटेड सेम एनिमल क्या वो सेम एनिमल्स का शिकार करता है ही डिड नॉट ऑलवेज हंटेड द सेम एनिमल वो हमेशा एक जैसे जानवरों का शिकार नहीं करता बिकॉज ही गॉट बोर क्योंकि वो बोर हो जाता है विद एनिमल विद ऐसे एनिमल से सच एज मंकी डियर फॉक्स एंड टर्टल। ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री है टाइगर वेलकम द चैलेंज रेफर टू टाइगर ने किस चैलेंज का सामना करने का फैसला किया चैलेंज मीन डिफिकल्ट टास्क यानी कि चैलेंज का मतलब है मुकाबले के लिए बुलाना किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना एंड इन द स्टोरी और इस स्टोरी में इट रेफर्स टू कैच अ फॉक्स और उसने टाइगर ने इस कहानी में फैसला किया था कि वो फॉक्स को पकड़ेगा और उसने फिर क्या किया अपने चैलेंज को कहानी में आपने सुनी है ना कहानी में उसने फॉक्स को पकड़ा। ठीक है ओके क्लास व्हेन दे डिसाइडेड टू वॉक टुगेदर इन द जंगल व्हाई डू यू थिंक फॉर चूज टू वॉक अहेड ऑफ टाइगर जब उन्होंने फैसला किया टाइगर ने और फॉक्स ने कि वो जंगल में एक साथ चलेंगे तो जो उस वक्त आप क्या सोचते हैं कि उसने टाइगर के पीछे चलने का क्यों फैसला किया ही डिड इट उसने इसलिए ऐसा किया बिकॉज ही वॉन्ट टू प्रिटेंड इट क्योंकि वो ये दिखावा करना चाहता था दैट ही वॉज लीडिंग द टाइगर के वो शेर जो है उसको लीड कर रहा है यानी कि शेर जो है उसका पीछा कर रहा है। ठीक है आज के चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर किए। ठीक है एक नजर हम इसकी पिक्चर पे डाल लेते हैं कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन हमें क्या बताती है पिक्चर हमें क्या शो कर रही है दिस पिक्चर इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी किंग ऑफ ऑल एनिमल्स नंबर टू टाइगर द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल इट लिव्स इन जंगल कहानी में जो पिक्चर आपको दी गई है उसमें ये शो किया जा रहा है The tiger is attacking on the fox. Fox is running behind the mouse. Okay, class. आज का हमारा चैप्टर था King of All Animals. I hope you understand all the question answers and the story. Thank you. Allah Hafiz.